शादी से पहले महिलाओं में दूध आना एक असामान्य स्थिति है और इसे गैलेक्टोरिया गैलेक्टोरिया कहा जाता है। ये किसी विशेष स्थिति या स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। इसके कुछ सामान्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। अन हार्मोनल असंतुलन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाने पर दूध का उत्पादन हो सकता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो सामांतिक स्तन दौरान दूध के उत्पादन को नियंत्रित करता है। 2. दवाओं का प्रभाव। कुछ दवाओं के सेवन से प्रोलैक्टिन स्तर बढ़ सकता है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक और कुछ ब्लड प्रेशर दवाएं। 3. थायराइड समस्याएं। हाइपोड हार्मोन की कमी भी प्रोलैक्टिन स्तर को प्रभावित कर सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्याएं। पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर या अन्य समस्याएं प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ा सकती हैं। गर्भावस्था। अगर महिला गर्भवती है तो शुरुआती चरण में भी दूध आ सकता है। स्तन की उत्तेजना। स्तनों की अत्यधिक उत्तेजना, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या किसी अन्य कारण से, भी दूध के उत्पादन को प्रेरित कर सकती है। तनाव। अत्यधिक तनाव भी हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है। अगर किसी महिला को शादी से पहले या गर्भावस्था के बिना दूध आ रहा है तो उन्हें चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। चिकित्सक निम्नलिखित जांच कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट, प्रोलैक्टिन और थायराइड हार्मोन के स्तर की जांच। 2. पिट्यूटरी ग्रंथि की स्थिति की जांच करने के लिए। दवा की समीक्षा। अगर महिला कोई दवा ले रही है तो उसकी समीक्षा। इस स्थिति को सही तरीके से पहचानना और इलाज करना आवश्यक है ताकि किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या को समय रहते निपटा जा सके। गैलेक्टोरिया। शादी से पहले महिलाओं में दूध आना के लिए होम्योपैथिक उपचार का उद्देश्य शरीर में हार्मोनल संतुलन को बहाल करना और समस्या के मूल कारणों को संबोधित करना है। यहाँ कुछ सामान्य होम्योपैथिक उपचार दिए गए हैं जो इस स्थिति में सहायक हो सकते हैं। एग्नस कास्टस। यह दवा प्रोलैक्टिन के उच्च स्तर को नियंत्रित करने और हार्मोनल संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकती है। 2. स्तनों में गांठ या स्तनों से दूध आना हो तो यह दवा सहायक हो सकती है। 3. कैल्केरिया कार्बोनिका। कैल्केरिया कार्बोनिका थायराइड संबंधी समस्याओं और हार्मोनल असंतुलन के लिए यह दवा उपयोगी हो सकती है। 4. फाइटोलाका। फाइटोलाका स्तनों में दर्द और असामान्य दूध स्राव के लिए यह दवा सहायक हो सकती है। पल्सेटिला। पल्सेटिला हार्मोनल असंतुलन, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं और मानसिक तनाव के मामलों में यह दवा लाभकारी हो सकती है। 6. साइलीशिया। यह दवा स्तनों में गांठ और दूध स्राव के लिए सहायक हो सकती है। होम्योपैथिक उपचार का चयन व्यक्तिगत लक्षणों और समस्या की गंभीरता के आधार पर किया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करें जो आपकी स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन कर सके और आपके लिए उपयुक्त दवा का चयन कर सके। महत्वपूर्ण सुझाव। चिकित्सक से परामर्श। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करें। 2. स्वास्थ्य जांच। चिकित्सक से जांच कराएं ताकि किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या को पहचान कर उसका उचित उपचार किया जा सके। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें, क्योंकि ये कारक भी हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। होम्योपैथिक उपचार धीरे धीरे कार्य करता है और इसे नियमित रूप से लेने की आवश्यकता होती है।